मेरी जो नई रेसिपी है वो है सोया चंक और सोयाबीन की बड़ी भी जिसे हम लोग कहते हैं और मैं आज इसे श्राद्धों के दिनों पर बना रहा हूं तो इसलिए प्याज और लहसुन का प्रयोग मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा साधारण तरीके से बनाया जाएगा जिसके लिए मैंने सोयाबीन बड़ियों को उबाल लिया है और इस पर मैंने कुछ मैरिनेशन किया है जो आपको दिख रहा है काली मिर्च का पाउडर है देगी मिर्च है नमक है जीरा पाउडर है और थोड़ी सी मात्रा में दही हल्दी लिया है और साथ ही साथ मैंने अलग से ले रखा है टमाटर टमाटर के साथ थोड़े से काजू और हरी मिर्च और धनिया की जड़ें साथ में सूखे मसालों में आप देख पा रहे हैं काली मिर्च आ, हरी इलायची बड़ी इलायची दालचीनी दो लौंग और एक तेज पत्ता साथ में मैंने मसाले आपको दिखाए थे सूखे मसाले जिनका उपयोग करूंगा ये घी ये देही लाल मिर्च जिसका उपयोग हम इसलिए करेंगे रंग लाने के लिए ये है कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला अब ये मैंने सूखे मसाले आपके सामने रखे हैं जो जो जरूरत के हैं लगभग इसमें जो रखे गए वो सभी जरूरत के हैं साथ में घी का उपयोग करेंगे केवल और केवल इसकी रंगत को लाने के लिए वैसे मैं रिफाइंड या तेल सरसों के तेल का उपयोग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ इसके बाद मैं वो जो टमाटर और काजू मैंने लिया था उसको हरी मिर्च के साथ लेकर मैंने पेस्ट बना लिया है एक गाढ़ा सा पेस्ट मेरे पास बनकर आया है और यहाँ एक आलू भी साथ में मैं ले रहा हूँ सिर्फ एक आलू जिसको मैं छिल लेता हूँ और इसके छोटे छोटे कट मैं कर दूँगा जो मैंने पहले से ही करके रख रखे हैं आसानी से जब मैं इसको तलूँगा सोयाबीन बड़ियों के साथ पहले मैरिनेट करता हूँ जो मैरिनेशन पहले से तैयार था उसी पर क्योंकि उसमें कुछ मात्रा मैंने ज़्यादा बढ़ा कर रखी थी ये आलू के छोटे छोटे पीसेज़ मैंने इसमें डालकर अच्छे ढंग से मैरिनेट कर दिए हैं अब मैं इन सबको तेल गरम करके कढ़ाई पर तलूँगा एक एक प्रकार से एक इसको सिंपल वे में फ्राई करने की कोशिश करूँगा जिससे थोड़े से जो मेरे आलू हैं वो भी पक जाएंगे और साथ ही साथ में जो सोयाबीन बढ़िया हैं वो फैलेंगी नहीं टूटेंगी नहीं इसमें थोड़ा सा एक कोटिंग आ जाएगी तेल की और जिसके कारण ये बड़े स्वादिष्ट लगते हैं बाकी सारा मैरिनेशन है तो अपने आप से वो अच्छा लगेगा थोड़ा क्योंकि मैंने पानी को निकाला नहीं है तो हो सकता है कि सोयाबीन का जो आ, मसाले हैं साथ में वो कढ़ाई पर आ जाएंगे बट डजन मैटर अब उसके बाद मैंने जो मसाले थे खड़े मसाले थे उनको मैंने तेल पर डाल दिया और साथ ही साथ में वो पेस्ट जो है उसको भी मैंने कढ़ाई पर उलट दिया है अब इसको मैं अच्छे ढंग से भूनने का प्रयास करता हूँ भूनता हूँ और भूनने के साथ अब मुझे लग रहा है क्योंकि काजू पड़ा हुआ है तो काजू पड़ने के कारण थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बन जाता है गाढ़ापन आ जाता है इसलिए मैं इसको लगातार चला रहा हूँ जिससे उसमें आ, कुछ गोलियाँ जैसी ना बने और जब मुझे लगेगा कि कुछ अभी देखिए आप चारों तरफ से इसमें काजू के कारण इकट्ठापन आ गया अब ये सूखे मसाले मैंने थोड़े बहुत तो पहले प्रयोग किए थे मैरिनेशन में और थोड़ा सा मैं प्रयोग अब और कर रहा हूँ ये हल्दी पाउडर ंगत के लिए ये धनिया पाउडर इसके बाद मैं इसमें नमक स्वाद के अनुसार लूंगा इसमें देगी मर्च का उपयोग करूंगा ये मैंने अभी धनिया पाउडर धनिया पाउडर जितना थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं जिससे उसका स्वाद थोड़ा अच्छा बनता है ये नमक स्वाद अनुसार नमक का प्रयोग मैंने पहले भी सोयाबीन को मैरिनेशन में किया है और जो चावल मैं आज बनाने वाला हूँ जीरा राइस उसमें भी मैं गर्म मसाले के साथ थोड़ा सा नमक का प्रयोग करूँगा तो नमक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे अलग अलग जगहों में स्प्लीसन कर दिया उसका स्प्लिट कर दिया नमक को कुछ वहाँ कुछ यहाँ तो जिससे कि जब कंप्लीशन हो जाएगा कम पूरा बन जाएगा तो स्वाद एकदम परफेक्ट आएगा यहाँ पर अब मेरा ये लगभग भुनने को तैयार है एक भुनावट मेरे पास आ चुकी है अब मैं इस पर थोड़ा सा पानी डालूँगा और पानी डालकर फिर प्रोसेस करूँगा लेकिन उससे पहले जो ये मसाला गाढ़ापन है इसमें मुझे सोयाबीन की बड़ियों को डाल करके लटपटाना है यानी सारी की सारी सोयाबीन बड़ियाँ जिसको मैंने मैरिनेट किया हुआ है इसको मैं इस मसाले पर अच्छे ढंग से पूरी तरीके से मिला लूँगा अभी तो मैं चारों तरफ से वो मसाले को भून रहा हूँ वो जो सूखे मसाले डाले हैं जो पेस्ट मैंने डाल रखा है वो इसमें अच्छे ढंग से भुन जाना है और उसके बाद मैं सोयाबीन बड़ियों का मैरिनेशन सहित इसमें डाल दूंगा ये मैंने इसमें डाल दिया अब जो आलू मैंने कट किए थे जिनको हल्का सा फ्राई किया हुआ है जो सोयाबीन की बड़ियाँ मैंने फ्राई करी हुई हैं इन सब को मैं इस मसाले के साथ अच्छे ढंग से मिला देता हूँ कई बार तो ये जो इस प्रकार से मसाले में लपटी हुई सोयाबीन की बढ़िया होती हैं एक जगह पर पक जाने के बाद ये भी पराठों के साथ खाई जाए तो स्वादिष्ट नज़र आती हैं लेकिन आज चूँकि मैं चावल के साथ इसको खाना है तो इसमें पानी की मात्रा तरी की मात्रा तो होनी ही चाहिए जिससे चावल जो है वो प्रॉपरली खाया जा सके तो यहाँ मैं इसको अच्छे ढंग से लपेट रहा हूँ और उसके बाद इसमें पानी डालूँगा यहाँ पर मैंने इस पर पानी डाल दिया है और पानी की मात्रा मैंने थोड़ी ज़्यादा बढ़ा कर रख रखी है उसके पीछे का कारण ये है कि मैंने काजू टुकड़ों का प्रयोग किया है पेस्ट बनाने में अगर मैं काजू टुकड़ों का पेस्ट नहीं बनाता तो मैं पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ाता लेकिन हुआ क्या है कि मैंने काजू पेस्ट डाल दिया अब जिसके कारण क्या होगा कि जैसे जैसे ये सब्ज़ी पकती जाएगी काजू का पेस्ट सब्जी को गाढ़ा करते जाएगा और चूँकि सोयाबीन भी इस्पॉन्जी होती हैं तो वो भी पानी को एब्जॉर्ब करेंगी जिससे पानी की मात्रा कम हो जाएगी देखिए बगल के चूल्हे पर मेरा जीरा राइस पक रहा है बन रहा है और यहाँ मैं इसको प्रॉपरली बॉइल्ड कर रहा हूँ अच्छा इस मूली के अचार को हम खाएँगे ये मेरा तैयार होने के बाद अब मैं इसको इसमें गार्निश कर देता हूँ और मैंने गार्निशिंग के लिए हरी धनिया के पत्ते काट रखे हैं जो इसके ऊपर मैंने डाल दिए अब मेरा चावल भी तैयार है तो चावल सोयाबीन बड़ी की रसीदार सब्ज़ी और साथ में मूली इसको मैं डालकर लूँगा आप भी बनाइए स्वाद लीजिए